बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हराम की गई शौहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई कि अपने माल के मेहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना के शहवत रानी करने के लिए। इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर दे दो, और मेहर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। और तुम में से जिस किसी को आजाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत न हो, तो वो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे आमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए उनके मालिकों की इजाजत से उनसे निकाह कर लो, और कायदे के मुताबिक उनके मेहर उनको दो। वो पाक दामन हो, ना कि अलानिया बदकारी करने वालियां, ना खुफिया आशनाई करने वालियां। बस जब ये लौंडियां निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उन्हें आधी सजा है उस सजा से जो आजाद औरतों की है। कनीजों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान करे, और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए, और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो लोग ख्वाहिशात के पैरों हैं वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हट जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुमसे तखफीफ कर दे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ऐ ईमान वालो, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त, और अपने आप को कत्ल न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। और जो शख्स ये नाफरमानियां, सरकशी और जुल्म से करेगा, तो अनकरीब हम उसको आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह पर आसान है। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे, और इज्जत और बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। और उस चीज की आरजू न करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बास को बास पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का इसमें से हिस्सा है जो इन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उनमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से इसका फजल मांगो। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। माँ बाप या कराबतदार जो छोड़ मरे, उसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुमने अपने हाथों मुआयदा किया है उन्हें उनका हिस्सा दो। हकीकतन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर है। मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। बस नेक फरमाबरदार औरतें खावंद की अदम मौजूदगी में बहिफाजत इलाही निगहदाश रखने वालियां हैं। और जिन औरतों की नाफरमानी और बद दिमागी का तुम्हें खौफ हो, उन्हें नसीहत करो, और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो, और उन्हें मार की सजा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर कोई रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। अगर तुम्हें मियां बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो, तो एक मुनसिफ मर्द वालों में से और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला, पूरी खबर वाला है। और अल्लाह ताला की इबादत करो, और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ सुलू को एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मस्कीनों से और कराबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। जो लोग
खुद बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं, और अल्लाह ताला ने जो अपना फजल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं। हमने उन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिसका हम नशीन और साथी शैतान हो, वो बदतरीन साथी है। भला उनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ताला ने जो उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते। अल्लाह ताला उन्हें खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो इसे दुगनी कर देता है, और खास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बना कर लाएंगे। जिस रोज काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें जमीन के साथ हमवार कर दिया जाता और अल्लाह ताला से कोई बात न छुपा सकेंगे। ऐ ईमान वालों, जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब भी ना जाओ जब तक कि अपनी बात को समझने न लगो, और जनाबत की हालत में जब तक के गुसल न कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई कजाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी का कसद करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लो। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शने वाला है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है, और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफी है, और अल्लाह ताला का मददगार होना बस है। बाज यहूद कलिमात को उनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और ना फरमानी की, और सुन इसके बगैर कि तू सुना जाए और हमारी रियायत कर, लेकिन उसके कहने में अपनी जबान को पेच देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते हैं कि हमने सुना और हमने फरमा बरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर और निहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन्हें लानत की है। बस ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। ऐ अहले किताब, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया है जो उसकी भी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, उस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें या उन पर लानत भेजें, जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की है, और अल्लाह ताला का काम किया गया। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता, और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीजगी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकीजा करता है। किसी पर एक धागे के बराबर जुल्म न किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं, और ये हरकत सरीह गुनाह होने के लिए काफी है। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला जो बुत का और बातिल माबूद का एतकाद रखते हैं, और काफरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज्यादा राह रास्त पर हैं? यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो उसका कोई मददगार ना पाएगा। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ न देंगे। या ये लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें दिया है। बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी है और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई है, फिर उनमें से बाज ने तो उस किताब को माना और बाज उससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफी है।